हेलो दोस्तों, दिस इज़ अभिषेक। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं बिल्ट इन फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। फंक्शंस पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था इज नैन फंक्शन के बारे में। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम पार्स इंट और पार्स फ्लोट के फंक्शन के बारे में। तो पार्स इंट फंक्शन क्या होता है? पार्स इंट फंक्शंस पार्सेज द स्ट्रिंग पैरामीटर एंड रिटर्न्स द कॉरस्पॉन्डिंग इंटीजर। यानी कि स्ट्रिंग पैरामीटर को पार्स करके इंटीजर को रिटर्न करता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो x इज इक्वल्स टू 5 है। ये जो 5 है ये स्ट्रिंग वैल्यू है जो x ने कैरी कर रखी है। x में 5 स्ट्रिंग वैल्यू है, तो हम इसमें लगाएंगे y, एक वेरिएबल ले लिया, इज इक्वल्स टू पार्स इंट लगाएंगे इसमें। पार्स इंट यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे x में, वेरिएबल डाल देंगे x। तो इसमें हमारी क्या होगी, द पार्स इंट फंक्शन टेक्स द पैरामीटर x, पार्सेज इट एंड असाइन द इंटीजर वैल्यू 5 टू द वेरिएबल y। और पार्स फ्लोट में क्या होता है? पार्स फ्लोट में एक एग्जांपल ले लो। जैसे कि x इज इक्वल्स टू हमने ले लिया 6.2, न्यू वेरिएबल लेके y इक्वल्स टू पार्स फ्लोट, पार्स फ्लोट, और इसमें वैल्यू डाल देंगे हम x। तो इससे क्या होगा, द पार्स फ्लोट फंक्शन टेक्स द पैरामीटर x, यानी कि x की वैल्यू लेगा और उसे पार्स करेगा, साइन द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यानी कि 6.2 जो फ्लोट नंबर है हमारा, उसको वेरिएबल y में डाल देगा। इससे हमारा पार्स इंट भी हो गया, पार्स फ्लोट भी हो गया। अब इसके आगे के फंक्शन भी देख लेते हैं। इसके आगे का फंक्शन है ईवेल। ईवेल क्या होता है? द ईवेल फंक्शन इज़ यूज टू इवेल्यूएट और एग्जीक्यूट अ पैरामीटर। यानी कि किसी पैरामीटर को इवेल्यूएट और एग्जीक्यूट करने के लिए यूज किया जाता है ईवेल को। इफ द पैरामीटर इज एन एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन इज इवेल्यूएटेड। यानी कि अगर पैरामीटर एक्सप्रेशन है तो इसका यूज़ कर सकते हैं हम इवेल्युएट करने के लिए। हाउएवर इफ़ द पैरामीटर इज़ अ जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड। अगर वो जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट है तब भी इसका यूज़ करके हम उसे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं एक। स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेर resl इज इक्वल्स टू 0। इसमें वैल्यू डाल दी हमने 0। resl इज इक्वल्स टू हमने eval वाला फंक्शन लगाया, इसमें 5 + 10 लिख दिया, इसमें हमने एक एडिशन करवाया हमने इसमें, और अलर्ट दे दिया resl। अलर्ट resl जो हमारा वेरिएबल हमने डिक्लेयर करा था वो। ठीक है, पहले हमने इसमें ये वैल्यू डाल दी थी 0, फिर हमने यहाँ पर इवेल्यूएशन करा, 5 + 10 कर दिया, और उसकी वैल्यू डाल दी resl में, और अलर्ट कर दिया resl को। अब हम जब इसे रन करेंगे, सेव करके, ये रन में ही है, ये आ गया देखो 15। तो इसमें इवेल फंक्शन ने क्या करा, इवेल फंक्शन ने इवेलुएट करा एक्सप्रेशन को, 5 + 10 एक्सप्रेशन को, इसको इवेलुएट कर दिया और रिजल्ट को डिस्प्ले कर दिया। ऐसी ये जावास्क्रिप्ट को भी इवेलुएट कर सकता है और उसे एग्जीक्यूट कर सकता है इवेल फंक्शन।